फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? मैं वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट कर रही हूँ, जिसमें से 6 कॉन्टिनेंट मेरे हो चुके हैं. अभी एक अभी भी बाकी है, माउंट विंसन अंटार्कटिका. जो मेरा प्लानिंग है दिसंबर 2018 उसको करने का. होप सो अगर सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि माउंटेन कभी भी कुछ भी हो सकता है माउंटेन में, तो माउंटेन पर एकदम पूरा हम नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर मैं अंटार्कटिका माउंट विंसन. आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? मुझे शायद हमेशा ये लगा है कि ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ अलग से दे के रखा है, कि क्योंकि वो कहते हैं ना, वो लाइफ का जिग जैग, चाहे वो ECG का जिग जैग, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती है, बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते. जब वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन उस मॉनिटर में दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जिंदा है. तो मेरे ऊपर जितनी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुझे ये शायद मुझे ये अच्छा महसूस होता है कि ऊपर वाला मुझे बहुत करीब समझता है और मुझे जिंदा रखा है उन परिस्थितियों में रखकर. क्योंकि सीधी लाइन का क्या मतलब होता है, ECG में आप सबको पता है. मैं सीधी लाइन पर नहीं जीना चाहती, मैं इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर जीना. हाँ इधर आया भैया, सुनो. देश के लिए कुछ कर पाई हूँ, लेकिन ये है कि जिम्मेदारियाँ भी बहुत कंधों पे देश हमारा दे देता है. क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं देश में, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. बस उनको एक प्लेटफॉर्म देने के उम्मीद पे हूँ कि एक प्लेटफॉर्म उनको दे पाऊँगी. क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे भारत में टैलेंट नहीं, टैलेंट बहुत है, ज़रूरत बस एक प्लेटफॉर्म की. उनको जैसे ही वो प्लेटफॉर्म मिला, वो अपने आप को आगे बढ़ा देगा. ये प्लेटफॉर्म लाने के लिए आपको किसने आपको सपोर्ट किया? मेरे भाई साहब है, मेरे ब्रदर इन लॉ, लेकिन एक्चुअली मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मैं बड़ी दीदी और भाई साहब यानी कि ब्रदर इन लॉ के साथ में ही रहती हूँ. मेरा छोटा भाई है, यंगर ब्रदर राहुल, तो हम चार लोग साथ में रहते हैं, तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं. फैमिली के अलावा किसने सपोर्ट किया? फैमिली के अलावा मुझे मच्छिंद्री पाल मैडम है, टाटा स्टील है, और मुझे हमेशा सपोर्ट करता है कि कभी भी करीब अभी माउंट विंसन का करीब 78 लाख रुपए लगेगा, जो टाटा स्टील मुझे स्पॉन्सर कर रहा है. तो एक कहीं ना कहीं और कंपनियों को भी आगे आना चाहिए ऐसी, क्योंकि और लड़कियां हैं करने लायक, तो और कंपनियों को आगे आना चाहिए, करना चाहिए उनको, जिसके अंदर कुछ करो. ऐसा महसूस होता है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा कंपनियाँ उनको सपोर्ट नहीं कर रही? माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है जहाँ लोग दिखता नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी पे देखते हैं. इवन मीडिया का सपोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ ज़्यादा दिखता है. नहीं, आजकल जैसे IPL है और कबड्डी है, हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं सब लोग, हॉलीवुड वाले भी, तो आपको भी प्रमोट करना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है प्रमोट है. अगर प्रमोट नहीं होता तो यहाँ आज इतने लोग कैसे होते? तो है, कहीं ना कहीं है. बस चीज़ों को और अच्छे से बताने की ज़रूरत है लोगों के बीच में, कितना टफ होता है, कितनी मुश्किलों से वो सबमिट करता है. और माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है जिसमें लीडरशिप और नेचर को पहचानने की सबसे फास्ट मौका मिलता है आपको. नेचर को जानने की, आप कितने बड़े माउंटेनियर हो, कितने बड़े प्लेयर या कुछ ऐसा टाइप लाइक जुनूनी हो, आप तब तक नहीं समिट कर पाएंगे जब तक आप डिसिप्लिन और रूल्स को मिला के नहीं करते. और डिसिप्लिन और रूल्स साइंसी लेवल पे उन चीज़ों को नहीं सोचते, लेकिन माउंटेन में डिसिप्लिन तो नियम. नहीं, स्पोर्ट्स में तो सभी डिसिप्लिन को मेन रखते हैं, और डिसिप्लिन तो मेन चीज़ है स्पोर्ट्स के लिए. यहाँ एक हद तक हो सकता है, किसी भी काम पे पहुँचने के लिए डिसिप्लिन रहेगी, स्पेशली कंपनी. तो मैडम, आप दिव्यांग हैं, आपने इतनी बड़ी सफलता की, आप दिव्यांगों को क्या नया सुनी सकेंगे? दिव्यांग देखिए, दिव्यांगता मन से होती है. जो इंसान यहाँ मन से विकलांग है, दुनिया के कोई काम नहीं कर सकता. दिव्यांगता हमारे यहाँ मन से होती है. जो इंसान यहाँ से विकलांग, मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अगर नॉर्मल यहाँ से विकलांग है तो दुनिया कोई काम नहीं कर सकता. अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. और अगर लोग दिव्यांगता को अभिशाप समझते हैं, मैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि मैं अभिशाप हूँ समाज के लिए, फिर ऐसा कुछ अगर सोचते हैं अपने मन में, तो मैं उनके दिल में दिमाग में सिर्फ इतनी बात डालना चाहूँगी
दिव्यांगता का अभिशाप है तो आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसको वरदान के रूप में करो। एक मिनट में हमारे यहाँ की नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर कल्पना राजू जी, वो तो आप आपसे बहुत प्रभावित हैं। एक्चुअली यार बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है फॉर स्पेशली गर्ल्स। तो ये क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगी जो हम सब आंसर जानते हैं कि आपके साथ जो घटना हुई थी एक बार आपके अगर उससे शब्दों में ही हम लोगों को डिस्क्राइब करें तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी, बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन जाएगा। मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से, और मेरा एक पैर ये आर्टिफिशियल है, एक पैर कट गया था, दूसरे पैर में टूट गई थी, दूसरे पैर पे पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर उसके बाद होल नाइट के लिए मैं करीब 7 घंटे ट्रैक पे थी पूरी रात। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची, मीडिया का जबरदस्त सपोर्ट था मुझे, और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल से एम्स में करीब 4 महीने थी, जी। अच्छा जब वो ये घटना हुई ना तो वो जो लड़के थे वो क्या मतलब क्या इशू था, कुछ स्नैचिंग वगैरह? हाँ अच्छा, आप अकेले होंगे उस टाइम? समय मैं अकेले थी।